बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कल हमने ये स्क्रैप फैब्रिक पीसीस से ये स्कर्ट बनाई थी शर्ट की साइड कटिंग से। आज हम ट्राउज़र की कटिंग से बनाएंगे टॉप। कटिंग कर लेते हैं इसकी हम। सिक्स इंच चौड़ाई में ये मैं 6 इंच पे इसको मैं कट कर लूँगी। ये पीस शर्ट की कटिंग के शर्ट के लिए है। शर्ट की ये चौड़ाई इस तरह लंबाई बढ़ाने के लिए मैं इधर नीचे भी कुछ कपड़ा डालूंगी। और पहले हम स्लीव कट करेंगे। स्लीव 5 इंच 6 इंच में रख लेती हूँ। स्लीव के लिए ये पीस कट कर लेती हूँ। स्लीव्स की कटिंग जिस तरफ ये डिफेक्ट है, शोल्डर साइड यहाँ से कट करते हैं। फ्रंट पे कफ लगाऊंगी। शर्ट की कटिंग भी कर लेते हैं हम। नेक होल 1.5 इंच इस साइड पे और 1.5 इंच डीप कट करेंगे। आर्म होल जो है 4.5 कट करूँगी। 1 ईयर की बेबी गर्ल का है और तीरा हम रख लेंगे 3 इंच। सिंपल कटिंग है इसकी। फ्रंट डीप करूंगी 1/2 इंच और बैक जो है उस पर स्लिट रखेंगे, बटन टेक बनाएंगे ताकि पहनाना आसान हो। फुल ओपन रखूंगी। गले को लगाने के लिए रेब इसकी कट करेंगे। यहाँ से ये रेब कट कर लेती हूँ। रेब कपड़े की कटिंग कर ली है मैंने और बैक पे फुल स्लिट जो है इसके ऊपर ये इजाफी फट्टी लगाऊंगी। तीरा सिलाई करके ये रेब गले के गिर्द लगाएंगे हम। बैक पे फट्टी बनाने के बाद ये तीरे की सिलाई की और गले के नीचे कपड़ा लगाया है। बाजुओं को भी फ्रंट पे चुनर डाल के ये कफ लगाया है। ये कफ जो है मैंने ये देखिए गुम सिलाई के साथ लगाया है। ये छोटे छोटे स्किल्स मैं बार बार बताती रहती हूँ इनके तरीके, तो इसलिए मैं रिपीट नहीं करती ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। ये हमने डिज़ाइन कल ही बना लिया था, जो हमारे पास स्कर्ट से कपड़ा बचा हुआ था। ये हम शोल्डर पर लगाएंगे इस सिलाई के दौरान। तो चलें अब ये मैं बाजू अटैच कर देती हूँ और इजाफी कपड़ा नीचे लगाऊँगी। बाजू अटैच करनी है, ये मैंने साथ इजाफी कपड़ा भी लगा दिया। इसकी लेंथ मुनासिब हो गई है ताकि बैली सी ये नंगा ना हो। देखिए बहुत खूबसूरत सा ये टॉप बन गया है। और स्कर्ट इसके साथ हम पहले ही सिलाई कर चुके हैं। स्कर्ट के साथ ये स्ट्रिप भी लगा दी हैं क्योंकि ये 6 मंथ से 1 ईयर की बेबी गर्ल का है, ताकि ये नीचे उठाने में, बच्चे को उठाने बिठाने में ये नीचे गिरे नहीं। ये बिल्कुल छोटी सी कटिंग्स थी, स्क्रैप फैब्रिक था जिससे ये मैंने बनाया कीमती ड्रेस। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही कारामत वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।